सरिस्का के तालवृक्ष रेंज में खारिकाबास गांव के नजदीक नदी के पास ग्रामीणों ने एक पैंथर को बैठे देखा। इसकी सूचना सरिस्का नेशनल पार्क के अधिकारियों को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सरिस्का अभयारण्य के वन विभाग की टीम ने देखा कि पैंथर गाड़ियों की आवाज सुनकर बार बार उठकर चलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पाया। इस पर सरिस्का वन विभाग की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। रेस्क्यू टीम में डॉक्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन सरिस्का के तालवृक्ष रेंज में मिले इस पैंथर की मौत हो गई। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। तीन सदस्यों की डॉक्टर टीम ने पैंथर का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद पैंथर का अंतिम संस्कार किया गया। इधर सरिस्का अभयारण्य के डीएफओ सुदर्शन शर्मा ने बताया कि मृत पैंथर 10 साल का था। यह मामला सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र नारायणपुर रेंज का है।